शासन के निर्देश के बावजूद भी अभी तक बस्ती जिले में नहीं बंद हो पा रही पॉलीथीन। जिले में धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं व्यापारी पॉलीथीन। जिलाधिकारी बस्ती डॉक्टर राजेश शेखर ने कहा, स्वच्छ वातावरण बढ़ाने के लिए और स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए पॉलीथीन रोकने के लिए कमेटी गठित की गई है। अनिल शुक्ला, स्वतंत्र प्रभात, बस्ती। नहीं, इसमें देखिए बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी निर्देश है कि अधिकतर से अधिकतर सभी लोग पॉलीथीन का प्रयोग कम कर दें और कागज़ के बैग का प्रयोग करिए। इससे क्या होता है कि नाली में फेंकने से नाली जाम होना, प्रदूषित होना, वातावरण खराब होना, इससे जो है रोक लगाना चाहिए और नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत इस पर जो है एक मौका देकर इस पर कार्रवाई भी करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे इस रोग और बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और इस पर देखिए, पॉलीथीन को बहुत दिन पहले ही जो है वो बैन कर दी गई थी और इस पर जो है समय समय पर प्रभावी कार्रवाई भी हुई है, बट बीच बीच में अन्य काम जैसे निर्वाचन हो गया या अन्य काम आने की वजह से उसका जो प्रभावी ढंग से जो क्रियान्वयन है उस पर थोड़ी जो है स्लो हो गया था उस पर। तो अब जो है फिर से शासन का निर्देश है कि जो है जो पॉलीथीन बैन किया गया है उस जो है प्रतिबंध को कड़ाई से जो है लागू कर दिया जाए, क्योंकि स्वच्छता का अभियान पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन असली मायने में स्वच्छता का तभी जो है उस फायदा मिल पाएगा सभी लोगों को कि हम पॉलीथीन प्रतिबंध को बहुत कड़ाई से लागू करेंगे। इसके लिए जो शासन से निर्देश पे आए हुए और इसमें नियमित जो है अनुश्रवण भी शासन द्वारा की जाएगी, उसी तरह तर्ज पे जो है जिला स्तर पे भी इसके प्रभावी अनुश्रवण के लिए हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी बैठक जिसमें कि एसडीएम्स नगर पालिका के, नगर पंचायतों के जो ईओज हैं, प्लस जो एनफोर्समेंट के लिए जो हमारे अधिकारी है, चाहे फूड वाले हैं, पुलिस के अधिकारी है, इनका एक बैठक बुला के उनको डिटेल जो कि क्या कार्रवाई करना चाहिए, कैसे उसकी रिव्यू की जाएगी, क्या सिस्टम रहेगा, इस पर हम लोगों ने डिटेल में ये किया है। उम्मीद है कि हम दो चार दिन में ही 15 तारीख के अंदर, इसी 15 तारीख के अंदर अंदर एक जो है वर्कशॉप हम जिला मुख्यालय पे जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं नगर पालिका में, नगर पंचायतों में, प्लस जो है ग्रामीण क्षेत्र के, और उसके साथ साथ हमारे व्यापारी है जो कि पॉलीथीन का जो है वो उनका भी सहयोग चाहिए कि पॉलीथीन प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए, प्लस कुछ ऐसे स्वयं सहायता समूह है कि जो पॉलीथीन प्रतिबंध में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी बुला के यहाँ पे एक हम लोग जो है कार्यशाला कराएंगे, उसमें उनको महत्व के बारे में बताएंगे कि पॉलीथीन प्रतिबंध से क्या लाभ मिलेगा और पॉलीथीन उपयोग से क्या हानि होंगे इसके बारे में बता के उनका सहयोग भी अपेक्षा की जाए, क्योंकि ये जब तक एक जो है जन अभियान के रूप में नहीं चलेगा तब तक ये जो है वो ज़्यादा हद तक सफल नहीं हो पाएगा, तो उसको जन अभियान के रूप में चलाने के लिए हम लोग जो है कार्य योजना बना रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में